सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल जानवी अंकित शर्मा. कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे. सो गाइज आई गए हैं रुद्रपुर से, सारा काम वगैरह सब निपट गया. बस कल मशीन लगाऊंगी और आज मैं करने जा रही हूँ बैग खाली. मेरी सिस्टर इन लॉ के यहाँ से मुझे क्या मिला है दिखाऊंगी आपको, है ना, क्योंकि मैं वहाँ फर्स्ट टाइम गई थी. तो 4 साल में शादी से, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं वहाँ फर्स्ट टाइम गई हूँ. तो दिखाती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में, ठीक है? अरे वाह बेटा, बैग खाली करने दो. ये किसने दिया था? बुआ ने दिया था. ये दो एक मम्मी का, एक पापा का, एक आपका है, एक एक्स्ट्रा. क्योंकि जब हम आ रहे थे तो सिस्टर मेरी नंद ने मतलब टीका किया था भैया दूज का. ओए अभी दिखाऊंगी गाइस, ये है, दिखा देती पहले. लो नदी पे डाल मम्मी, क्योंकि मैंने भी नहीं खोला, मुझे भी नहीं पता क्या है क्या नहीं. अभी देख लो आप लोगों को क्या है. इतना था कि कुछ दिया है. ये ओह माय गॉड, ये तो बिच्छू है चांदी के गाइस. देखो अच्छे, आपको साफ नहीं दिख पा रहे पर मिलने वाले हैं, अच्छे लग रहे हैं. देखो चार हैं ये, मेरे नंदोई जी की पसंद है, लेने वही गए थे. कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना. चीतू अमन दे दो और अलमारी में रखने. और ये मेरा लिफाफा दिया था, सिद्धू का लिफाफा दिया था. सिद्धू भैया ने लिफाफा कहाँ रखा आपने? लिफाफा लिफाफे में से पैसे निकाल के लिफाफा ले गया. मशीन में डाल दिया, याद है? किसने दिया था ये? बुआ ने. सिद्धू क्या है? कुछ कपड़े थे हमने वहाँ पहने ही नहीं है गाइस. टिक्का किया था बुआ ने. हाँ चिद्दू का. हाँ जाते ऐसे टिक्का करा था जब आप आ रहे थे घर. अच्छा आप पता है लड़के में आने 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 हैं. मम्मी ये आए ये आए नारियल पानी. नारियल पानी क्योंकि उन्होंने भैया दूज पर इस बार नारियल नहीं भिजवाए थे, बाकी भाइयों के भिजवाए थे. बट ये हमें ये कहा था कि मैं तुम्हारा टिक्का यहीं करूंगी जब तुम आओगे. सो ये तो सिद्धू के एक बार और पहना के वॉश कर दूंगी. बहुत हो जाते गाइस. तो गाइस एक बैग कर दिया मैंने खाली, अब कर रही हूँ दूसरा बैग. ये साड़ी भी अलमारी में रखूंगी. ये साड़ी कैसी लगी गाइस जरूर बताना कमेंट में. जितनी भी साड़ी है गाइस मैंने एक या दो बार पहनी है, उसके बाद सीधा दीवान में अंदर गई है. फिर जाना बोल कैसे तू? हाँ फिर जाना है? हैं देख कैसे हाँ कर रहे हैं. क्यों जाना है? ये टी शर्ट धोनी तो नहीं है मम्मी. तो है मम्मी ये टांगनी है, वैसे धुली हुई है वो. मम्मी तो है रुक जाओ मम्मी तो मत कर. इतने कपड़े लेगा पर पहने नहीं गए. जच्चे बच्चे में तो कहाँ जाते, घूमने भी नहीं जा पाए. बट ये कि नेक्स्ट टाइम जरूर जाएंगे घूमने. घूमना भी क्या, उधर को कुछ है भी नहीं. नैनीताल में जा रखी हूँ, नैनीताल में कुछ है नहीं. नैनीताल भीमताल नैनीताल तो मैं देख चुका हूँ फोन में ही. हल्द्वानी नहीं और वो इच्छा नहीं रुद्रपुर में इतना खास नहीं. अजय बैग खाली कुछ नहीं था, रुद्रपुर में इतना खास नहीं. कल दूंगी गाइस कपड़े, बहुत सारे कपड़े हैं, मशीन भर गई है. परसों से सिद्धार्थ स्कूल जाएगा, उसको एज इट इज रखा जाएगा दीवान में. तो फिलहाल तो तुम्हारी है इनकी गाइस फेवरेट टी शर्ट ये. हट जा, क्या फेवरेट
फेवरेट कुछ नहीं है, लेकिन घर के हिसाब से कंफर्टेबल है। हल्के समय वही ढीली ढाली है ना, बहुत कंफर्टेबल कपड़ा वो चीज है, और ये इसको इसलिए ज्यादा पहनते हैं टी-शर्ट। अब तो खैर रखी जाएगी, गर्मी सर्दी आ रही है। तो गाइस एक ये सूट दिया मेरी नंद ने मुझे, कभी पहन के वीडियो पे दिखाऊंगी। ये सूट दिया है, अच्छा है ये, टच ये नीचे से ऐसा अनार टी-शर्ट खोल दी ने, अनारकली सूट है या मैंने दिया ये, मम्मी कुछ करे और ये ना करे उसको कॉपी हो सकता है ऐसा? दो 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 गाइस या बाबे माती चितू क्या लाया मम्मी के लिए? हां घूमी करने गए थे, मम्मी के लिए क्या लेके आए? हां मम्मी के लिए क्या लेके आए आप? मम्मी ये टाइप टी-शर्ट लेके आए, कहां है? यहां कहां है दिखाओ। गाइस ये वाली कुर्ती आप लोग आज का देख रहे हो, ये वेस्टर्न लुक में है, इसके ऊपर इसलिए मुझे कभी जैकेट डालनी पड़ती है, मैं हटाती हूं वीडियोस में, पहन नहीं पहनती जैकेट, अदरवाइज मैं इसके ऊपर जैकेट डाल के रखती हूं। सभी कपड़े वगैरह रख लूं फिर मिलती हूं मैं आपसे, ठीक है? कैमरा ऑफ करो, जाओ जाओ मेरे सैनिक। गाइस फाइनली बैग भी खाली हो गए, काम निपट गया मेरा आधा, अब कल मशीन लगाऊंगी, कपड़े धुलूंगी, क्योंकि परसों है सिद्धार्थ का स्कूल चिल्ड्रन डे है 14 नवंबर, तो ये घूमने जाएगा पिकनिक, इनका यहीं है हमारे इधर एरिया में, मंदिर है कोई अद्भुत मंदिर, वहाँ जाना है इन लोगों ने तो इसलिए। और कैसे लगे आपको गाइस बिछुए? क्योंकि मैं 4 साल में फर्स्ट टाइम गई थी अपनी नंद के यहाँ, तो इसलिए दिए उन्होंने टीका किया था, तो टीके में लास्ट टाइम विदाई करते ना, तब उन्होंने मुझे बिछुए दिए थे, सिद्धार्थ को लिफाफा दिया था, बोला था सिद्धार्थ अपनी अभी कि सिद्धार्थ को इसकी पसंद के कपड़े दिला देना है, अपनी पसंद से ले लेना, उन्हें समझ नहीं आता थोड़ा कपड़े वगैरह ना, सबका हिसाब किताब अलग होता है, इसलिए मैंने कहा कोई नहीं, वैसे भी जरूरत नहीं थी, बट वही विदाई थी, टीका किया, अच्छा लगा हमें भी। और अब तो 1 साल बाद ही जाना होगा उस गुड़िया के बर्थडे पे, 31 अक्टूबर तभी जा पाएंगे। हाँ आपकी जाएंगे तो पापा को लेके जाएंगे, जहाँ तक है सोच तो यही रहे, है ना? बाकी मिलती हूँ, शायद शाम को सब्जी वगैरह लेने जाए मार्केट तो दिखाऊंगी, वरना छोटा मोटा दिखाती रहूँगी आपको बीच में, ठीक है? तो गाइस यहाँ बना रही हूँ गट्टे, शाम डिनर की तैयारी हो रही है, ये गट्टे मैंने उबाल दिए थे, गट्टे बना रही हूँ, पापा ने बताया, मैं सफर में ही बोल दिया था आ रहे हो ना तो गट्टे बनाना है, बहुत दिनों का खाई नहीं, बट कल तो बना नहीं पाए थे, बाहर से पैक करवा लिया था, कड़ी चावल रोटी नान वगैरह, तो अब आज बना रही हूँ गट्टे, अभी मार्केट जाना है, सब्जी वगैरह कुछ नहीं है, सब्जियाँ लानी है, इसीलिए पछा दे दो भाई। मम्मी काम कर रही, तो ट्राई हो जाए उसके बाद रेसिपी क्या दिखाऊँ, आपने तो देखी हुई है, बना लेती हूँ ट्राई वगैरह कर लेती हूँ। इधर छोक रहे हैं सब्जी, ये हो गई है फ्राई, इधर फटाफट गट्टे छोकेंगे, लहसुन प्याज वगैरह 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 सब डाल दिया, फटाफट करती हूँ। मेरी ना आदत अभी बनाने की ना जाती नहीं है, मेरी नंद के ना गाइस मसाले बहुत कम खाया जाता है, मतलब मसाले के नमक, उन लोगों को हमारे हाथ का खाना अच्छा लग रहा था बट हमारा खाने में टेस्ट ही नहीं आ रहा था, नंदो जी को भी खाना अच्छा लग रहा था हमारे हाथ का, पर हम कह रहे हैं तुम लोग नमक नहीं खाते खाने में, तुम लोग ये नहीं खाते खाने में, चाय भी बिल्कुल फीकी, मेरे नंदो जी को शुगर है तो चाय भी एकदम फीकी, मतलब चाय भी पता नहीं क्या जायका ही नहीं आ रहा था मुँह पे, हम तो मीठी चाय पीने वाले, मुझे 2 चाय चाहिए, मीठी चाहिए बढ़िया एकदम। गट्टे में मटर किसी ने सुनी है? मैं डालती हूँ, ये मसाले के साथ ही पक जाएंगे, जैसे बंद कर दी पापड़ कटे बंद कर दी, सामान कौन सा पड़ा?
माता जी कल या परसों जा रही है, कल या परसों जा रही है, आपको बता रही। अभी गाइस ये रेसिपी ट्राई करना, मटर और गट्टे, ये खाली गट्टे खाते थे तो मटर डालना सिखा दिया मैंने। ट्राई करें, क्वांटिटी अच्छी आती है ग्रेवी में, थोड़ा बढ़िया टेस्ट है। मेरा फोन पता नहीं क्यों विदाउट लाइटिंग ना ब्लर ब्लर सा दिखाता है। आओ जल्दी जल्दी, लाइट में फेस अच्छा आता है। सब्जी हाँ तो ये चलेगी सर्दियों में, मूली लौकी गोभी इसके पराठे खा जाएंगे। और मैंने रहा सब्जियाँ महंगी होगी भाई, है अब सामान लिया परचून का, अब ले रहे हैं सब्जियाँ। और ठंडी लग रही है वैसे, कब है कि ठंड 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 घर के बाद ठंडी है बेटा। साइड इधर यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब हो गया, और इसे साइड करो, इनका भी मेरा भी दोनों का चैनल सब्सक्राइब करवा दिया मैंने बाकी से। आप ब्लॉग्स देखते रहा करेंगे, एंटरटेनमेंट मिलता रहेगा। हरी बोल वाले सब्जी इनसे ले ब्लॉग पोस्ट कर दिखा रहे देखा। अभी अभी इधर बोल बैठो, हमने फेमस होने तो हमारे साथ लोग भी फेमस होने चाहिए, लोगों की इनकम भी होनी चाहिए, है ना। सही बात, क्यों भाई मैं कैमरा करके दिखा देती हूँ आपको दुकान पर। से है शॉप, यह शर्मा जी ले रहे हैं सब्जियाँ। नया आलू आ गया है गाइस, और यह है पुराना आलू। पुराने आलू में छिलक पतले पतले होते हैं ऐसे, और यह सॉरी नया आलू देन पुराना आलू, तो फर्क आप लोग देखिए। पापा जी की स्कूटी खड़ी कर रहे हैं, स्कूटी लेके गए थे, सामान खाली घर पहुंच गए हैं, ऊपर आ गए हैं। और इधर मैं लगा रही हूँ पापा जी का खाना गरम करके, फटाफट लेके आऊंगी, ठीक है। गाइस आ जाओ टिक्की खा लो, टिक्की नहीं चाट, पापा लेके आए चाट की। पापा ने कहा बच्चे आए हैं रुद्रपुर से, इनके वो चाट वाट खिलाई जाए, तो पापा लेके आए हैं। किचन धनिया दिख रहा होगा आपको, चटनी बनाएंगे कल, अभी तो नहीं चटनी कल बनेगी, ठीक है। मिलते हैं फिर खा पी के आराम से मिलेंगे। सो गाइस यहाँ लग गई है मशीन, लगा रही हूँ कपड़े निकाल रही हूँ, मुझे लड़का काम नहीं करने दे रहा, मेरी जगह पे तो ये खड़ा है, मैं बताऊँ कहाँ खड़ी हूँ। आने के बाद मशीन में इतने कपड़े हो गए ना, मैंने कहा धो दूँ, जबकि वहाँ से कपड़े धो के लाई थी, यहाँ से धो के गई थी, उसके बावजूद भी कपड़े इतने हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो ये लड़का मुझे करने ही नहीं दे रहा है काम, वहाँ से निकाल रहा है ड्रेड वाले में डाल रहा है। तू रुक अभी, हाँ बेटा मम्मी धोलेगी, आप छोड़ दो कपड़े, छी तो नहीं धोएगी, मम्मी धोएगी, मम्मी धोएगी, तो मशीन में पानी वानी भर लूँ, इसको हटा दूँ, फिर मिलती है। मशीन लग गई है, पानी भर दिया है, कपड़े घूम रहे हैं, ठीक है कपड़े चल रहे हैं। अब मैं इधर इतने में अंदर का काम निपटाती हूँ, अंदर फैला हुआ है अभी, ठीक है। और ये देखो, ये देखो, ये काम नहीं करने देता इसको, तो मैं चलो अभी बताती हूँ इसको, बताऊँ पहले मैं, ठीक है। Thank you.
सो गाइस आधे कपड़े धुल गए हैं, डाल दिए हैं तार पे, बस काम वाम निपट गया। सभी सोफे वोफे के कवर उतार दिए धोने के लिए। तो आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। सो क्या करना है आपको वो पता ही है। आते ही पापा की फरमाइश में मैंने बना दिया है गट्टे की सब्जी। तो बोलो तो मेरे ब्लॉग को डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जानवी अंकित शर्मा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। कपड़े धो दिए और झाड़ू लगा दी। इसका चलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।